Hello dear students, I am Vinod Shankaran from English Funda and this is the rapid fire series for vocabulary which will run till your CDS and NDA exams. और इस सीरीज को करने के बाद याद रखिएगा संडे को हमेशा एक क्विज होता है इसी इन्हीं सेशंस पे बेस्ड. उसको करना जरूरी है क्योंकि वोकैबुलरी जब सीखते हैं तो प्रैक्टिस भी करना जरूरी है और आपका ये प्रैक्टिस सेशन ये प्रैक्टिस क्विज जो होगा ये होगा ऐप पर हमारे ऐप पर इंग्लिश फंडा के ऐप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. कब से कब तक होता है ये क्लासेस? मंडे टू फ्राइडे तक होगा आपके एग्जाम तक. और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन. और ये संडे को हमारे ऐप पे इसके क्विज होंगे. इससे आपका वो रिकलेक्शन वाला पावर, ओके, यू कैन रिकॉल द वर्ड्स यू हैव लर्न्ड. ओके, नाउ सेशन नंबर 21, पहला वर्ड देखते हैं. आर यू रेडी? पहला वर्ड है, गेस करना, प्रोजेक. अच्छा, ये क्या कर रहे हो सर? तो इसके साथ में मैं रूट वर्ड्स देता हूं जिससे कि गेस करने में आसान बने. तो रूट वर्ड्स भी याद करना है, हर सेशन में रूट वर्ड्स भी याद करना है. प्रोजेक, प्रोजा का मतलब है डायरेक्ट. तो प्रोजेक होने का मतलब क्या होना चाहिए? एकदम डायरेक्टली जिसको कहना है उसको सीधा सीधी कह दें. और एक है बहुत घुमा फिरा के बहुत सुंदर तरीके से कहें. तो प्रोजेक का मीनिंग क्या होना चाहिए? तुरंत बोलोगे अनइमेजिनेटिव. क्यों? प्रोजेक का मतलब है रेड को मैं सिर्फ, मैंने एक फ्लावर को देखा, मैंने बोला फ्लावर. एक बोला सॉफ्ट सॉफ्ट पेटल्स देखो, हाँ उसके उसका रूप देखो, ठीक है, उसमें एक कहानी बनाने लगा, ठीक है, एकदम बहुत इमेजिनेशन यूज करके क्रिएटिव होके बताया. तो प्रोजेक इज समथिंग दैट इज नॉट इमेजिनेटिव, ठीक है, कल्पना बहुत यूज नहीं किया गया है, जो जैसा है वैसे वैसे बता देना. अनइमेजिनेटिव. जेपडाइज, आपने नवीन सर के सेशन में सीखा होगा, जेपडाइज का मतलब है टू एंडेंजर, किसी को डेंजर में डाल देना. निमोनिक्स, नी का मतलब क्या था बताना? मेमोरी. नी का मतलब क्या था? मेमोरी. निमोनिक्स का मतलब है याद करने की तरकीबें, याद करने की तरकीबें. जैसे रूट वर्ड्स है वो याद करने की तरकीब ही तो है. मेमोरी क्या था? डायरी. मेमोरी क्या था? डायरी. सो द आंसर इज अनइमेजिनेटिव. ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन. निनकंपूप. निनकंपूप एक नाउन है, किसको बोला जाता है? गेस तो मार ही सकते, स्टॉप करके गेस मारना. सुनने में ही सर अटपटासा लग रहा है, तो क्या मीनिंग होना चाहिए? आपने गेस बहुत सही किया. आंसर है इडियट. आंसर है इडियट. ट्यूमल्ट का मतलब क्या था? ट्यूमल्ट हमने पहले वाले सेशन में सीखा था. ट्यूमल्ट का मतलब है केओस या अप्रोरियस, अप्रोर, ठीक है, पूरा उथल पुथल होना ना. एक्सट्रिकेशन, ट्रिका. ट्रिका का मतलब क्या था? निकालना. तो एक्सट्रिकेट करना, बाहर निकालना. एक्सट्रिकेट करना, बाहर निकालना. ओके, कम टू द नेक्स्ट वन. इनहिबिट, हैबिट, हैब, हिबिट का मतलब है पकड़ना या जीना. याद रखना हैबिट, हैब, हिबिट, ये जब भी किसी वर्ड में ये रूट्स आए इसका मतलब है कि पकड़ना होता है या जीना होता है. तो इनहिबिट, इनहिबिट अंदर से पकड़ा हुआ होना, मीनिंग क्या होना चाहिए? इनहिबिट करना, अंदर से पकड़ा हुआ. एक सेंटेंस बता रहा हूं फिर बताना, ठीक है. हिस इनहिबिशन डज नॉट लेट हिम टॉक इन पब्लिक. हिस इनहिबिशन डज नॉट लेट हिम टॉक इन पब्लिक. पब्लिक में बात नहीं कर पाता. क्यों? क्योंकि इनहिबिशन है, शाइनेस है. क्या होना चाहिए इसमें शाइनेस के लिए? फिर एक ही वर्ड ही रहता है, रिस्ट्रेन, ठीक है. इनहिबिट करना, रोकना. इनहिबिट करना, रोकना या बांध लेना या पकड़ के रखना, ठीक है. कॉन्स्पिकुअस. स्पीका का मतलब क्या था? स्पीका का मतलब क्या था? देखना. स्पिक या स्पेक का मतलब है देखना. तो कॉन्स्पिकुअस पूरी तरीके से दिखना, क्लियर दिखना. विट्यूपरेट का मतलब क्या है? विट्यूपरेट करना, क्रिटिसाइज करना, वो भी बहुत बुरी तरीके से, लैम्पून करना, वो सब एक ही है. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या था? बांधना, खींच के बांधना. सर कॉन्ट्रैक्ट तो एक अग्रीमेंट भी होता है. हाँ, हमने हजारों चीज डिस्कस करी, सबको मिला जुला करके 75 पॉइंट बनाया, ठीक है, 75 पॉइंट बनाया, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट. वहीं से आया है वर्ड. ट्रैक्ट का मतलब ड्रॉ. स्प्लिंटर, ओके, स्प्लिंटर. द स्प्लिंटर हिट हिम एंड ही गॉट वाउंडेड.
द स्प्लिंटर हिट हिम, बॉम्ब गिरा किसी किसी लकड़ी पे और उसमें स्प्लिंटर लगा और उसके घाव हो गया उसको। तो स्प्लिंटर का मतलब क्या होना चाहिए? स्प्लिंटर क्या होना चाहिए? टुकड़ा होना चाहिए। तो टुकड़े के जैसा कौन सा है? बोलोगे सर फ्रैक्चर। एब्सोल्युटली स्प्लिंटर इज अ फ्रैक्चर, ठीक है, या टूट जाना, पीस। टुकड़ा भी हो सकता है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। कॉन्वोल्यूट, कॉन का मतलब क्या था? पूरी तरीके से। वॉल्यू का मतलब क्या था? और नवीन सर ने पढ़ा होगा, वॉल्यू का मतलब है रिवॉल्व, घुमाना, घुमाना। तो पूरी तरीके से बिगाड़ के रखना, पूरा मरोड़ के रख देना, कॉन्वोल्यूट करना, पूरा मरोड़ देना, डिस्टॉर्ट करना, विकृत करना, डिस्टॉर्ट करना। टॉर्ट का मतलब भी घुमाना, याद रखना। क्लिंच का मतलब क्या था? बहुत जोरदार तरीके से पकड़ना, लास्ट क्लास में सीखा था। और क्लिंच का मतलब है टू बी सक्सेसफुल, टू सक्सेसफुली अचीव समथिंग, टू होल्ड ऑन टू समथिंग और टू सक्सेसफुली अचीव समथिंग, है ना, क्लिंच। डायर, इसमें तो एक सुना भी होगा आपने, इन डायर स्ट्रेट्स। नेगेटिव मीनिंग में इसको लिखते हैं या पॉजिटिव मीनिंग में लिखते हैं? सोच लो और बता दो। डायर, ओके, द वर्ल्ड इज इन डायर नीड ऑफ सम मेजर्स टू काउंटर एक्ट क्लाइमेट चेंज। क्या होना चाहिए? क्रिटिकल, एब्सोल्युटली। डायर का मतलब है क्रिटिकल, ओके। फॉर्मिडेबल और रीडाउटेबल क्या था? जिससे डरा जा सकता हो, ठीक है। फॉर्मिडेबल फो, फो का मतलब क्या है? एनिमी। फॉर्मिडेबल फो का मतलब क्या है? जिससे, जिसको देख करके डर लगता हो कि वे डरने योग्य दुश्मन हो। नाउ एंटोनिम में आ गया, एम्पलीफाई। एम्पली का मतलब क्या है? बढ़ाना। एम्पली का मतलब है बढ़ाना। तो एम्पलीफाई तो जानते हो, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? एम्पलीफाई का ऑपोजिट क्या होगा? पक्का जानते हो, डिमिनिश करना। एब्सोल्युटली, एम्पलीफाई का ऑपोजिट है डिमिनिश करना। एम्पलीफाई का सिनोनिम क्या है? एनहांस, ठीक है। सर ग्रिजली भी तो हमने सीखा था, सर दो ग्रिजली आपने बताया था, ये तो भालू है, ये ग्रिजली क्या था? हॉरिफिक, भयावह। और बिकोलिक क्या था बताना? बिकोलिक का मतलब है रिलेटिंग टू द विलेज, विलेज या रूरल, इट्स कॉल्ड ब्यूकोलिक। सेकेंड एंटोनिम करते हैं, फेन। ही फेन्ड इग्नोरेंस बट आई वॉज श्योर ही न्यू द ट्रूथ। ही फेन्ड इग्नोरेंस, फेन्ड का मतलब फिर क्या होना चाहिए? प्रिटेंड करना। ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट क्या होगा? पक्का, वेरी गुड। बी ऑनेस्ट, फेन करना, प्रिटेंड करना, यहां ऑनेस्ट होना, ठीक है। ऑर्डेन और कंसेक्रेट का मतलब क्या है? पवित्रता प्रदान करना, टू गिव, क्या होता है, सैंक्टिटी टू समथिंग। एंड मैसरेट का मतलब क्या होता है? मैसरेट का मतलब है मुंह में रख के चबाना, ठीक है, चबाना या पीस पीस में काटना, मैसरेट करना। नाउ पॉइग्नेंट, पॉइग्नेंट का मतलब क्या है? पंग या पंक्ट का मतलब होता है हिट या पियर्स, मारना या छेद करना, पॉइग्नेंट, ओके। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? ठीक है, द पॉइग्नेंट मेमोरीज, जो दिल को चोट पहुंचाता है, ठेस पहुंचाता है, ठीक है, पॉइग्नेंट मेमोरीज। ऑपोजिट क्या होना चाहिए? फीलिंग जो देता है और फीलिंग नहीं होना, तो फीलिंग ना होना कौन सा है बताना? बहुत ईजी है, पैथोस का मतलब क्या है? फीलिंग्स। तो एपैथेटिक, फीलिंग ना होना, एपैथेटिक, पॉइग्नेंट होना, जो तिल को छुपाता हो, एपैथेटिक होना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पुराने बार चीजों के बारे में सोच रहे हैं, अच्छे ये दुखी वाले चीज को भी सोच रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सुखी वाले चीज के बारे में भी सोचना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। न कॉनंड्रम इज अ पजल, अ रिडल, अ पजल और अ रिडल, उसको बोलते हैं कॉनंड्रम, ठीक है, उलझन। एनिग्मा का मतलब होता है रहस्य, सीक्रेट, जिसको ठीस एन एनिग्मा, ओके, वी डू नॉट अंडरस्टैंड, रहस्यमयी बंदा है, ठीक है। एंटीथीसिस इज द ऑपोजिट, इज द ऑपोजिट ऑफ समबडी, माय फादर इज द एंटीथीसिस वाला हमने कल किया था, हमने पिछले वाले वीडियो में किया था। अबेंस, एंटोनिम बताना, अबेंस, दिस विल बी हेल्ड इन अबेंस फॉर सम टाइम,
दिस लॉ विल बी हेल्ड इन अबेंस फॉर सम टाइम, मतलब क्या है, रुका हुआ होगा, सस्पेंशन में होगा. अबेंस का मतलब है सस्पेंशन. तो ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा, पक्का सर, कंटिन्यूएशन. अबेंस का मतलब कैंसिलेशन हो सकता है, टेम्पररी कैंसिलेशन. तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कंटिन्यूएशन. सस्पेंशन देखो ये सब उसी का मीनिंग है, अबेंस सस्पेंशन कैंसिलेशन हो सकता है. और फिलिप या बूस्ट का मतलब था एनहांस करना, कल ही सीखा था हमने. एब्सॉल्व, एब्सॉल्व, सॉल्व, सॉल्यूस, सॉल्व का मतलब है अनटाई या लूजन, ढीला करना. सॉल्व, सॉल्यूस, सॉल्व, ठीक है, ढीला करना. तो एब्सॉल्व का मतलब है ये बांधा हुआ चीज को निकाल के फेंकना, एब्सॉल्व करना, मतलब किसी को मुक्त करना, दोष मुक्त करना, एब्सॉल्व बोलते हैं. ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा, दोष मुक्त करना. अब दोषी ठहराना, अब कौन सा है उसका वर्ड, वो है इंसिनुएट. इंसिनुएट का मतलब क्या था, अक्यूज करना, ब्लेम करना, अक्यूज करना, ब्लेम करना. प्रोस्क्राइब या सेंसर करना, बैन करना, इसका तो मीनिंग हमने किया था. प्रो मने आगे, स्क्राइब मने लिखना. हाँ, एक्सकल्पेट, इसका भी मतलब एब्सॉल्व होता है. एक्स का मतलब है अवे और कल्पा मीन्स ब्लेम. तो एक्सकल्पेट, ब्लेम जिसके ऊपर से हटा दिया जाए. तो एब्सॉल्व का मीनिंग एक्सकल्पेट है, ऑपोजिट है इंसिनुएट. श्रिवल का मीनिंग क्या था, सिकुड़ जाना. श्रिवल का मतलब क्या था, सिकुड़ जाना, ठीक है, टू कंटॉट, है ना, सिकुड़ जाना. नाउ इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसमें एग्री का हम लोग जरा इडियम्स देखते हैं, ठीक है. अब इसमें क्या लिखना चाहिए, आई यूजुअली एग्री डैश में बॉस, ठीक है. अगर पर्सन होता है तो क्या लिखते हैं, एग्री विथ समबडी, आई यूजुअली एग्री विथ माई बॉस. राज नेवर एग्री एग्रीड, ठीक है, यहां तो सिर्फ वी वन लिखा हुआ है, तो टू फिक्स योर कंप्यूटर. लोगों के साथ विथ लिखते हैं, याद रखना, आई यूजुअली एग्री विथ माई बॉस. देन जैक एग्रीड डैश माई आइडिया ऑफ रिवाइजिंग अवर कैटलॉग, एग्रीड टू या एग्रीड ऑन. अगला सहमत हो रहा है, तुमने कोई प्रपोजल रखा, अगला सहमत हो रहा है, तो हम बोलेंगे एग्री टू माय आइडिया. ये चीज है, ये पर्सन है, पर्सन के साथ विथ, चीज के साथ टू, ठीक है. दोनों आदमी एक साथ सहमत होते हैं जो तीसरे चीज पे, तो वहां पर मैं क्या बोलते हैं, थैंक्स फॉर एग्रीइंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ द, आपने ऑफर दिया उस बन गया, तो एग्रीइंग टू बिकम अ मेंबर. आई डोंट अग्री, आई डोंट अग्री अलाउिंग अ प्रोफेशनल एथलीट टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, सबके सहमति मांगा जा रहा है. तो ये 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 कई लोग हैं, एक बंदा नहीं है, कई लोग हैं. तो मैं बोलते एग्री ऑन समथिंग, सब लोग मिलके जब एग्री करते हैं तो एग्री ऑन बोलते हैं. तो मैं उसमें एग्री नहीं करता, तो आई डोंट एग्री ऑन, ठीक है, अलाउिंग. देन द बोर्ड ऑफ, बोर्ड एंड शेयर होल्डर्स हैव एग्रीड, अब क्या होना चाहिए, ये अपॉइंट हो गया. हाँ अच्छा, अगेन सब लोग मिल करके एग्री कर रहे हैं, सहमति दे रहे हैं, तो फिर क्या होना चाहिए, एग्रीड ऑन, ठीक है. द वर्कर्स एंड द मैनेजर्स हैव नॉट एग्रीड, एग्रीड ऑन अ डेट, एक डेट पे सारे लोग सहमत नहीं हुए हैं, ठीक है. ना याद रखना, ऐसे एक साथ में मैंने पढ़ा है, वो सारा चीज एक बार याद करने की कोशिश करोगे. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी कट अप, पूरी तरीके से मैं यार विक्षित हो चुका हूं, बहुत छत विक्षित हो चुका हूं. बी कट अप का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा अपसेट होना, बहुत ज्यादा दुखी होना. बी अपसेट इज बी कट अप. ओके, नाउ अगर आप सीडीएस के लिए प्रिपरेशन पेपर केवल चाहते हैं कि सर मेरे को सिर्फ नाउन का, प्रनाउन का, एडजेक्टिव एडवर्ब वगैरह का प्रिपरेशन करवा दो, उसका प्रैक्टिस करा दो, हाँ प्रैक्टिस करा दो और मेरा डाउट सेशन क्लियर कर दो, तो ये वही है. सीडीएस के लिए हमारे पास प्रैक्टिस पेपर्स हैं. ये क्या करता है, आपको टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देता है, नाउन प्रनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वगैरह का देता है. उसके बाद लाइव डाउट क्लास में ये सारे क्वेश्चंस का, जो भी डाउट होगा, कॉन्सेप्ट्स का जो डाउट हो सकता है रिलेटेड, उसको हम लोग ठीक करेंगे. सेम चीज है एनडीए पुशअप्स फॉर एनडीए स्टूडेंट्स. इट्स वेरी चीप, बट देन वंस यू हैव टू डू अ प्रैक्टिस, मैंने याद रखना, सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक बार पूरी तरीके से सारा चैप्टर को प्रैक्टिस करो,
मॉक टेस्ट भी इसमें इन्वॉल्व है दोनों में, ठीक है, मिनी मॉक्स भी है, मॉक टेस्ट भी है, पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है, मिनी मॉक टेस्ट भी है, जिसको कर लोगे आप एकदम तैयार हो जाओगे एग्जाम्स के लिए। CDS के लिए नेक्स्ट ईयर से 2023 में मैं CDS देने जा रहा हूँ और मुझे प्रिपरेशन करना है, इंग्लिश पूरी बिल्कुल ही कुछ नहीं आता, तो सक्सेस CDS कोर्स में जो 1150 रुपये में मिलता है, जिसमें हम क्या क्या देते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस, सारे ग्रामर कॉन्सेप्ट का रिकॉर्डेड वीडियोस, और ये वीडियोस को आपने पढ़ लिया तो आपको लाइव डाउट सेशंस देते हैं, नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, आपने जो भी टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक का रिकॉर्डेड वीडियो देख लिया, उस पर लाइव डाउट सेशंस मेरे साथ करेंगे आप। उसके बाद आपको सेक्शनल टेस्ट, ठीक है, अगेन चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सबका सेक्शनल वाइज प्रैक्टिस टेस्ट, एंड देन मॉक टेस्ट जिसमें कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट 2 घंटे का, वो भी कराता हूं। अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी गिव एज फ्री क्लासेस, जो फ्री क्लासेस दे रहे हैं आपको यूट्यूब है, उसके बाद अलावा ये सब चीज मिलता है, तो अच्छा खासा इंग्लिश की प्रिपरेशन हो जाएगी। ना कॉल फोर्थ का मतलब क्या है, कॉल फोर्थ आगे आने को कहना, आई कॉल फोर्थ करेज टू फेस माई फादर, कॉल फोर्थ का फिर मीनिंग क्या होना चाहिए, आई कॉल्ड फोर्थ, मस्टर करना, गैदर करना, तैयार करना, कुछ करने के लिए खुद को रेडी करना या किसी को रेडी करवाना, कॉल फोर्थ का मतलब है मेक समथिंग हैपन। नेक्स्ट वाला देखो, च्यू आउट, दबा के, च्यू आउट का मतलब पूरी तरीके से च्यू करना, तो मीनिंग क्या है इसका, तो सर इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब यह है कि जो लिखा रहेगा वो मीनिंग नहीं होगा, ये मुहावरों की तरह है, इसके पीछे एक कहानी होती है, जैसे हिंदी में आसमान से गिरा खजूर मैट का, तो तुम आसमान की तरफ नहीं देख सकते हो कि कौन गिरा, कौन आकर खजूर मैट का, तो नहीं देखेंगे ना, तो उसका मतलब क्या है, एक मुसीबत से निकलकर दूसरे मुसीबत में फंसना, उसी तरीके से चू आउट एक ईडियम है, ये एक मुहावरा है, क्या मीनिंग होना चाहिए, क्या मीनिंग होना चाहिए बताओ, मीनिंग है चू आउट का मतलब है किसी को चबा देना, गुस्से में किसी को चबा के थूक देना, मतलब है कि चू आउट करना, क्रिटिसाइज करना, बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करना किसी को। क्लोजअप, ये तो हम सर टूथपेस्ट ही आता है क्लोजअप, क्लोजअप का मतलब क्या है, नजदीक आना, तो क्या होना चाहिए, डू अप का मतलब तो डेकोरेट था, ठीक है, तो क्या करना है, क्लोजअप का मतलब है ज्वाइन टुगेदर, ठीक है। देन एक आउट, इसको एक मत पढ़ देना, इसको पढ़ना है एक आउट, एक आउट, एक आउट का मतलब क्या है, It was difficult for many to eke out a living after COVID. Eke out a living after COVID. ठीक है, किसी तरीके से जीवन को जीना, मैंने जितना है उसी में, एक आउट अ लिविंग का मतलब क्या है, जब पैसे नहीं थे उसी को किसी तरह से खींच करके जितने दिन तक चल सकता है उतने दिन तक चलाया, उसको बोलते हैं एक आउट करना। कोविड के बाद कई लोगों के पास जॉब नहीं था, तो जितना पैसा घर पे था उसी में से जितने लंबा चल सकते थे चलने की कोशिश किया गया, तो उसको बोलते हैं एक आउट, ठीक है, एक आउट अ लिविंग बोलते हैं, किसी तरीके से जीने की कोशिश करना। फॉल थ्रू का मतलब क्या होना चाहिए, ऑल हिज प्लान्स हैव बीन फॉलिंग थ्रू बट दिस टाइम आई होप ही विल सक्सीड, इजी हो गया, बोले सर अनसक्सेसफुल, एब्सोल्युटली, फॉल थ्रू का मतलब है अनसक्सेसफुल होना, ठीक है। फ्लिप आउट, फ्लिप का मतलब क्या है, उलटना, तो फ्लिप आउट का मतलब क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए बताना, जस्ट मारो, वेरी गुड, दिस इज सी, इफ somebody फ्लिप्स आउट, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना हो जाना और कंट्रोल लूज कर जाना, किसी ने खूब पी लिया सोचो, ठीक है, एंड ही फ्लिप्ड आउट का मतलब है बहुत ज्यादा दारू पीकर फिर अपना आपा खो देना, सो व्हाट इज फ्लिप आउट। हैंग इट अप, आप काम नहीं करना, हैंग इट अप, व्हाट इज द मीनिंग, हैंग इट अप, अब मैं निकाल रहा हूं भैया, मैं अपना शर्ट टांगने जा रहा हूं, अब काम नहीं करूंगा, तो क्या होना चाहिए, पक्का, वेरी गुड, यू जस्ट राइटली, इट इज क्विट, छोड़ देना,
किक अबाउट, हाँ इधर उधर किक मारना, इधर उधर किक मारना कब करेंगे बताना, क्या होगा बताना। ओके द इंजर्ड एनिमल वॉज किकिंग अबाउट, मतलब है डाइंग, धीमे धीमे मरना, उसको हम लोग बोलते हैं किक अबाउट। ठीक है, एंड अगेन लेट मी अगेन रिमाइंड यू, सीडीएस के लिए प्रैक्टिस पेपर्स बहुत जरूरी है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उसके बाद इसके साथ में क्या अच्छा है कि सीडीएस की जो प्रैक्टिस पेपर्स हमारे ऐप में जो मिलेगा आपको, उसमें क्या अच्छा चीज क्या है कि चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको सॉल्व करने के बाद लाइव डाउट सेशंस में आप सारे आपके दुखड़े, जो भी सर एडजेक्टिव में मेरे को चार रूल नहीं समझ आया, मैंने चार क्वेश्चन नहीं समझ आया, ये किस तरीके से बन गया क्या, वो लाइव डाउट सेशंस में क्लियर कर लोगे। ठीक है, उसके बाद मिनी मॉक्स भी मिलते हैं और मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, इससे अच्छा सीरीज आपको नहीं मिल सकता जिसमें चारों चीज इकट्ठे या सेम चीज आपके एनडीए के लिए भी है। पहले चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेगा, उसके बाद लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे, फिर मिनी मॉक्स और मॉक टेस्ट। सक्सेस सीडीएस के बारे में बताया था, ये उनके लिए जो पूरा कोर्स सीखना ही चाहते हैं, सर अब मुझे सिर्फ प्रैक्टिस सेट नहीं चाहिए, मुझे पूरा कॉन्सेप्ट भी सीखना है, तो इसमें क्या हम क्या करते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो सेशंस देते हैं, उसके बाद लाइव डाउट सेशंस देते हैं हर एक टॉपिक पर। ठीक है, फिर सेक्शनल टेस्ट देते हैं, सेक्शनल टेस्ट देते हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट देते हैं, ताकि आप एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, आई एम विनोद शंकरन, डाउनलोड आवर ऐप नाउ, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, और इस चैनल को प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू ऑल वेरी मच।